हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर नंबर 15 एयर। ओके, तो इसमें सबसे पहले टिक कर देते हैं जैन। ओके, सो वाटर के बाद आपका टॉपिक आता है एयर, और एयर को सभी लोग जानते होंगे कि एयर हमारी लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए, हमको जिंदा रहने के लिए, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, और भी कई सारे इंसेक्ट्स और जो एनिमल्स होते हैं, यहाँ तक कि सॉइल को जो नाइट्रोजन गैस जो एयर का एक पार्ट है वो बहुत रिक्वायर्ड होता है, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन है। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एयर सभी के लिए, इन्वायरमेंट में सभी के लिए कंपलसरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। ओके, विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव। ओके, हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बहुत कॉमन सा पॉइंट है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो अर्थ के एवरीवेयर पॉइंट्स पर एयर का जो परसेंटेज है वो भले चेंज हो, लेकिन हर जगह प्रेजेंट है। ऑल ऑफ अस मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट क्लोथ्स लेफ्ट फॉर ड्राइंग ऑन अ क्लोथ स्लाइन ड्राई अवे When there is a mild breeze, ठीक है, you have means अगर धूप नहीं भी निकली है और हम कपड़ों को अगर हवा में रख दें तो हवा से वो क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, क्लॉथ्स लाइन ड्राई। ठीक है, ऑल ऑफ अस मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, ठीक है, हम सभी ऑब्जर्व करते हैं दैट क्लोथ्स लेफ्ट फॉर ड्राइंग, क्लॉथ्स सूख जाते हैं ऑन अ क्लोथ्स लाइन, ठीक, क्लोथ्स लाइन पर ड्राई अवे वेयर देयर इज अ माइल्ड ब्रीज, जब वो हल्के से गीले हों और उनको सिर्फ हवा में डाल दिया जाए, बहुत ज़्यादा गीले नहीं हो कि मतलब पानी चू रहा हो, बहुत हल्का माइल्ड अगर ब्रीज है उसमें, हल्के से गीले हैं तो हवा से ही देखिए ड्राई हो जाते हैं। यू हैव ऑल्सो हेयर्ड दी लीव्स ऑफ ट्रीज रस्टलिंग और हैव फ्लोन पेपर एरोप्लेन्स। ठीक है, डिड यू एवर थिंक दैट मेक्स ऑल दीज थिंग्स हैपन, कि ऐसा ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। द आंसर इज एयर। आंसर क्या है, एयर, क्योंकि जो हमको आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं ना, उसके लिए एक मीडियम की हेल्प होती है और वो एयर सबसे अच्छा वर्क करता है। ठीक है, कि हमको किसी की वॉइस सुनने के लिए, किसी भी चीज़ कोई आवाज़ को सुनने के लिए एयर क्या है, बहुत अच्छा एक मीडियम है। ठीक है, सो व्हाट इज एयर, सो एयर इज डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक है, एयर इज कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, ना इसका कोई कलर होता है, ना ऑर्डर होता है, ना ही कोई टेस्ट होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट एयर। सो फर्स्ट एक्टिविटी टू शो द प्रेजेंस ऑफ एयर अराउंड अस, हमको शो करना है कि ये प्रूव करो कि सब एयर ऑल अराउंड है, सब जगह है। सो मटेरियल्स क्या है, प्लेन पेपर एंड स्टिक लेना है और कुछ नहीं लेना है। मेथड, मेक अ पिन व्हील आउट ऑफ द पिन सॉरी प्लेन पेपर, माउंट द पिन व्हील ऑन अ थिन स्टिक। ठीक है, इस टाइप से होल्ड दी स्टिक विद दी पिन व्हील इन एन ओपन एरिया, ऐसे इसको पिन व्हील को क्या करेंगे, जो कागज का हमने बनाया है उसको एक स्टिक में होल्ड करा के उसको एक ओपन एरिया में ले जाएंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, द पिन व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग ड्यू टू एयर, रोटेटिंग स्टार्ट कर देगा। रिजल्ट एंड कंक्लूजन, द पिन व्हील रोटेट्स एज द एयर स्ट्राइक्स। ठीक है, पिन व्हील रोटेट करेगा जब उस पर एयर स्ट्राइक करेगी इट्स ब्लेड्स, उसकी ब्लेड्स पर, ये जो ब्लेड्स होती हैं। ठीक है, दस द रोटेशन प्रूव्स दैट एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, दैट इज एवरीवेयर। ठीक है, फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और तेज चलने वाली हवा को विंड बोलते हैं। विंड हेल्प्स बिग शिप्स बोट्स विंड मिल्स एंड हॉट एयर बैलून्स मूव, जो विंड होती है वो हेल्प करती है शिप्स को, बोट्स को, विंड मिल्स को और हॉट एयर बैलून्स को मूव करने में। ठीक है,
इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये रिन्यूएबल सोर्स है एंड कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इस विंड से हम लोग क्या करते हैं, विंड मिल्स लगी होती हैं ना, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, तो जब विंड ब्लो होगी और उसके ब्लेड्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो वो जनरेटर फिट होता है कुछ इस तरीके से कि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, रिन्यूएबल मीन्स इसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है विंड, ठीक है। इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड कैन समटाइम्स बी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, विंड कभी कभार डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है। इट कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट डिवास्टेशन लाइक अपरूटिंग हाउसेज ट्रीज एंड इलेक्ट्रिकल पोल्स, सच एज सिचुएशंस वेयर डिवास्टेशन इज कॉज्ड बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स इज कॉल्ड अ डस्ट स्टॉर्म्स, ओके, टोर्नेडो, ठीक। कभी कभार विंड क्या होती, बहुत तेज स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा विंड चलने लगेगी, तब वो किसका रूप ले लेगी, डस्ट स्टॉर्म्स का, और उसको टोर्नेडोज भी बोलते हैं, ओके। सो आज का टॉपिक यहीं रखते हैं, ओके, सो बाय, टेक केयर।